जो स्टार्टिंग से थिंकिंग थी ना हाँ जी मेरी ये थी कि यार स्कोडा बुड्ढों की गाड़ियां होती है कौन लेगा। हाँ, उसमें मैं एक बार बैठा भाई ड्राइव पे जाते हुए, उसने कहा कि भाई ड्राइव मोड पे अभी तेरे को एक नजारा दिखाता हूँ। उसमें बस कुछ नहीं किया, पंजा टच करा, मैं सीट पे चिपका रह गया, मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से उठा नहीं जा रहा था। मैंने कहा भाई कहाँ बैठा दिया किसको भाई। उसके बाद से भाई फैन बॉय ऑफ स्कोडा भाई। वो भाई बस माइंड ट्रिक्स है, वो खेलते हैं भाई उस तरह से। ये तो सही बात है भाई, ये किस्मत में थी ये आगे, वरना आती मेरे पास। अच्छा So guys, आगे आज भाई एक और वीडियो के साथ आपके सामने। भाई हमने अपने चैनल पे वर्टस और स्लाविया बहुत बार कवर कर ली, बट भाई मैं हर स्लाविया के ओनरशिप में जो कोई यूनिक कवर करता हूँ, मैं यही बोलता हूँ ऐसी स्लाविया आपने नहीं देखी होगी। और फिर से भाई बता रहा हूँ सेम चीज, ऐसी स्लाविया आपने सच्ची में नहीं देखी होगी। मतलब बस ये देखो आप लुक, क्या क्लासी स्पॉइलर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक वाला, जिसमें भाई लाइट भी फ्लैश करती है एंड सीक्वेंस में भी चलती है ये लाइट। की अगर हम बात करें, भाई ने एक VRS का लोगो लगाया हुआ है थोड़ी सी यूनिक लुक लाने के लिए। प्लस भाई ये कलर भाई कार्बन स्टील ग्रे है, सेम एज अपनी स्कोडा कुशाक, बट भाई मैट में ये PPF हुआ हुआ है। और PPF होने के बाद भाई दूर से ये ऐसी लगती है कि भाई मैट ब्लैक कलर है, बट पास से जाओ तब पता लगेगा कि भाई मैट सिर्फ PPF हुई है। बाकी और अगर बात बताएं, भाई ने कार्बन फाइबर का ओरिजिनल साइड स्कर्ट है, बैक में भी, साइड्स में भी, फ्रंट में भी भाई ओरिजिनल कार्बन फाइबर का भाई स्प्लिटर, भाई बहुत अच्छे लुक ला रहे हैं। मतलब कार्बन फाइबर का काफ़ी यूनिक लुक ला रहे हैं। भाई ने फॉग लैम्प को थोड़ा सा मतलब एक फिल्म चढ़वाई हुई है जो काफ़ी अच्छी लुक लेके आ रही है। एक बार फ्रंट से आपको लुक दिखा दूँ, यहाँ पर भी भाई ने VRS की बैजिंग लगवाई हुई है। और यार जेट ब्लैक होने के बाद कार्बन फाइबर में ये ग्रिल होने के बाद और मैट PPF होने के बाद इसकी लुक ने भाई टोटली अमेज कर दिया। मतलब ऐसी स्कोडा स्लाविया भाई पहली बार मैंने देखी है और आपके सामने भी ले आया है। तो भाई इस वीडियो को प्यार बहुत दिखाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना कि आपको कैसी लगी वीडियो, और कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो कि कितने का काम हुआ, सब कुछ वो सब इस वीडियो में आगे कवर होने वाला है, तो वेट करना, पूरी एंड तक देखना। बाकी भाई ये तो था, हमने बाहर से आपको काम बता दिया। भाई ने साइड मिरर पे भाई फ्लैप्स लगवाए हुए हैं, कितने प्यारे। मतलब छोटी छोटी इस डिटेलिंग से इस कार की लुक पूरी तरह ही कम्प्लीटली एनहांस्ड हो चुकी है। और सच्ची बता रहा हूँ मैं अभी इस कार के लिए आउट ऑफ वर्ड्स हो रहा हूँ। एक बार भाई से आपको मिलाते हैं, हमारे साथ आज तो अमन भाई भी है। कैसे हो भाई? भाई भी स्लाविया ओन करते हैं, आप सबको पता है, और देख के चौंक गए भाई। एक ना थंबनेल ले लो। सही है भाई, भाई कसम से, मतलब मैं देख के मतलब ऐसा हो गया हूँ। मतलब अमन की भाई स्लाविया कार्बन स्टील ग्रे में ही है, टॉप मॉडल है, बट स्टॉक है पूरी। और जब उसने ये देखी भाई, उसके अलावा भाई हम सबका रिएक्शन, आयुष भाई, अतीशे भाई और इस कार के ओनर, कैसे हो भाई? आपका गुड नेम भाई आशीष भाई। भाई बिग सैल्यूट है आपको, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है आपकी कार। थोड़ा भाई हमें डिटेलिंग बताओ इस कार के बारे में, ओवरऑल बाहर से टोटल PPF मिला के, आपके स्प्लिटर, साइड स्कर्ट्स, हाइड्रोलिक, आपके स्पॉयलर, सब कुछ कितना खर्चा आपने ऊपर कर दिया इसमें? सीरियसली बताऊं तो ये है 10 इयर्स वारंटी वाली PPF, इसका आया था 130 के राउंड में, 130 के राउंड। और स्पॉइलर का आया था मेरे को 45,000। ओके, स्प्लिटर किट वगैरह मैंने माइंड ऑटो मोड से परचेस करी थी और PPF मेरी हुई है डिटेलिंग माफिया से। ठीक है, बस आशीष भाई ज्यादा मत बताना, मतलब ना मेरे को भी क्योंकि करवानी है तो लोगों को पता है, जनता बोलेगी क्या चीज है भाई। और वो ही भाई ने बहुत भाई अच्छा करा हुआ है। कोई गलत भी कर रहा है ना तो उसको मजाक वजाक नहीं उड़ाते हम बोल देते हैं भाई ठीक कर देते हैं, ताकि आगे वो 10 चीज अगर अपग्रेड करे इन फ्यूचर तो भाई उस चीज को भी वो अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करेगी। हाँ जी, कार कम्युनिटी ऐसी है भाई, पुलिस वाले क्यों रोकते टोकते हैं, मॉडिफाइड करा रखा ये करा रखा है भाई, कहीं डिसेंट कोई चीज़ हो ना, पुलिस वालों को भी एक तरह से पसंद आती है, बट कुछ लोगों की हरकतें ऐसी होती है कि भाई वो मजबूर कर देते हैं चलान करने में, सबको साइड लो। सही बात है। अब आपने 135 हमें बताया PPF का, 130 बताया PPF का, 45 बताया स्प्लिटर का, ये
स्पॉइलर का सॉरी, स्प्लिटर और साइड स्कर्ट्स के अप्रोक्सीमेटली। ये पीछे वाले मैंने खुद से परचेज करे थे, ये मेरे को मिले नहीं थे। हाँ जी, ये मेरे को पड़े थे 23-25 के अराउंड, मैंने इसको बाहर से डिप करवाया था। अच्छा, आगे के मेरे ABS कार्बन फाइबर ही आए थे। ठीक है, माइंड ऑटो मोड से लिए थे मैंने 6700। मतलब मोटा मोटा अगर ओवरऑल बात कर ले 2 लाख रुपए लग चुके हैं इस कार में ऊपर, है ना? हाँ भाई, लग ही चुके हैं। और वैसे ये स्टाइल मॉडल है ना? हाँ जी। मतलब 1.5 MT स्टाइल, मतलब टॉप ऑफ द वेरिएंट भी 1.5 वाला इंजन, जो अप्रोक्सीमेटली आपको कॉस्ट कितना करा होगा, 20+? क्योंकि जिस टाइम मैंने परचेज करी थी उस टाइम पे क्या कहते हैं वर्टस लॉन्च होने वाली थी। हाँ जी, तो दिल्ली में जितनी भी अवेलेबल थी स्लाविया मैनुअल ट्रांसमिशन में, सब में वाइट और रेड कलर अवेलेबल था, मेरे को चाहिए था। अच्छा, मतलब बेसिकली बोल सकते हैं फर्स्ट लॉट की कार है। बट भाई बाहर से फर्स्ट लॉट नहीं है, लेटेस्ट लॉट की लग रही है, इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है। और भाई टॉप मॉडल पे 2 लाख+ का काम हो चुका है। और यार मतलब सही में मैं आउट ऑफ वर्ड्स हूँ। जेट ब्लैक भी हुए शीशे, अंदर से भाई स्टॉक है पूरी। और टॉप मॉडल को भाई स्टॉक रखने का ही फायदा है। एक बार ऐसा क्या करते हैं भाई के साथ ना, कार के अंदर बैठते हैं और थोड़ी बहुत और डिटेल में बात करते हैं कि भाई ओवरऑल मन कैसे बना सब कुछ। भाई एक बार कार में बैठ जाते हैं सारे और अच्छे से बात कर लेते हैं भाई से। सो गाइस, हम लोग आगे स्कॉडा स्लाविया में। भाई गाइस, हम लोग अंदर आ चुके हैं। और भाई ये जब भी जेड ब्लैक कार में बैठते हो भाई, अंदर आके अलग ही फील आती है। मतलब बाहर भली धूप हो, अंदर आके लगता है शाम हुई है, मस्त बारिश होने वाली है। सही है भाई, एग्जैक्टली। अब भाई अंदर से तो भाई ने कार पूरी स्टॉक रखी हुई है, स्टॉक ही रखने का फायदा होता है क्योंकि टॉप एंड वेरियंट है। बट ये ग्रिपर मेरे को भाई बहुत अच्छा लगा, हमने रेड कलर का लगवाया हुआ है, पर भाई ने कार्बन फाइबर विद, ये भाई एक्स्ट्रा ग्रिप के लिए होगा आई गेस। हां भाई, ये इजी रहता है। हाँ, कितना प्यारा लग रहा है यार ये। अप्रोक्सीमेटली कितने का ऑनलाइन आपने परचेज करा था? 1200 भाई। ये मेरे को एक और अपनी दूसरी कार के लिए भी मंगाना था, बट आउट ऑफ स्टॉक हो गया था दूसरे। अच्छा, ये कार एक्सेसरी शॉप पे भी बहुत जगह पे रखे हुए थे उन्होंने। ठीक है, अब भाई ये बताओ, ये जो आप स्लाविया लेने गए थे, इसके अलावा और कोई सेडान भी देखी थी? हाँ भाई, मैं स्टार्टिंग से वर्ना का फैन था भाई। अच्छा, मेरे को जब क्रूज आती थी तब, उस टाइम पे पहले क्रूज था, क्रूज तो जाती थी, फिर वर्ना पे था। थार का मन था, थार मैं एक बार वैसे ही जा रहा था, तो मैंने साथ में दूसरी गाड़ी में था, वेन्यू में था। अच्छा, साथ में खड़ी, मैंने कहा कि भाई तेरी भी इतनी लंबी है, उसकी भी इतनी लंबी गाड़ी है, अब मैं इसमें कंफर्टेबली बैठा हूँ, मेरे पीछे कोई बैठेगा कंफर्टेबली। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो प्रैक्टिकल नहीं लगी। अच्छा अच्छा, ये वरना का जब सीन, मैंने कहा कि वरना लेनी है। अब उस टाइम पे मेरा मन था टर्बो का, मैंने कहा बट ऑटोमेटिक नहीं भाई, ऑटोमेटिक कभी नहीं लूंगा, मैं मैनुअल चाहिए, लेकिन मेरे को टर्बो भी चाहिए था। अच्छा, तो इसमें मतलब आपका सब फुलफिल हो गया था? हाँ, 1 लीटर टर्बो देख रहे थे? नहीं भाई, 1.5 भाई, या तो सेकंड हैंड परचेज करता मैं। अच्छा, या फिर मेरा मोस्ट प्रोबेबली घर वाले नहीं मानते सेकंड हैंड के लिए, तो नहीं पे जाता पेट्रोल पे, और 10 साल का पंगा डीजल। हाँ, क्योंकि और भाई स्कोडा कुशाक और स्लाविया में तो आपको मैनुअल का ऑप्शन टर्बो में 1.5 का स्टार्टिंग से मिलता है। नहीं, अब VW में, अब हाँ वही तो, VW ने अब लॉन्च करा है, बट आज से 1.5-2 साल पहले ही स्लाविया कुशाक में मिल गया था आपको। भाई सही में मतलब यार इसमें बैठ के यार अलग फील आती है। अरे भाई एक चीज है कि मतलब ना उसमें स्कोडा में कंप्लेंट तो डाल सकते होंगे हम कि ये चीज ऐसी दे रखी है और नए वालों को कैसी दे रखी है। ये बात है भाई, मतलब वो तो बनता है। वर्टस के लॉन्च के चक्कर में तो डिस्प्ले हटाई थी, ये किसी को पता नहीं है। अभी एनिवर्सरी एडिशन जो आ रहे हैं स्लाविया के, उसमें फिर से कर दिया था, उसमें फिर से इन्होंने कर दिया था, फिर से इन्होंने सब वूफर भी दे दिया था एनिवर्सरी एडिशन में। ये इनका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भाई सेम है वर्टस और स्लाविया का। ये तो है, डिस्प्ले उसमें बस टिल्टेड करी हुई है, डैशबोर्ड की शेप में फिट हो जाती है, अंदर पूरा फिट करा हुआ है। ये तो फर्क नहीं है दोनों में भाई, बस माइंड ट्रिक्स है, वो खेलते हैं भाई उस तरह से। ये तो सही बात है भाई, ये किस्मत में थी ये आगे, वरना आती मेरे पास। अच्छा, आपको मतलब पूरी तरह मन वरना पे ही था? हाँ भाई वरना पे था, बट उस टाइम पे ना सीन ऐसा चल रहा था कि वरना आगे से आ नहीं रही थी, कंपनी वाले बोल रहे थे आ रही थी। अब मेरे जो भैया हैं जिनसे मैं 12-13 साल से गाड़ी परचेज कर रहा हूँ, वो इंश्योरेंस, वो टाटा AIG में है, तो उनको अच्छा। पहले से पता रहता कौन सी आनी, उन्होंने लास्ट ईयर ही बता दिया था कि इस साल सुपर्ब और ऑक्टावियो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, लेने का फायदा नहीं है। उस टाइम वरना का भी बता दिया था, कहते कि आपको स्लॉट में गाड़ी मिल जाएगी, मैं दिलवा दूंगा, बट फायदा नहीं है,
मैंने कहा कि स्लाविया का क्या सीन है, कहते स्लाविया ले लो बहुत बढ़िया गाड़ी है. मैंने कहा फिर लूंगा तो 1.5 ही लूंगा, मैंने नहीं चाहिए. वो कहते कि चलो करवाता हूँ. उन्होंने फिर लुधियाना से कराया ये कलर. भाई 1 लीटर ना लेने का कोई स्पेसिफिक वजह? भाई पावर जब भाई आपको बोलने को नहीं बोला भाई स्पेंड कर रहे हो आप तो भाई पावर भी देखो, और ऊपर से भाई इसमें फ्यूल का भाई 2 सिलेंडर मोड पे भाई बहुत सही ये है. तो है एवरेज, मतलब सुना है मैंने एक्टिव 2 सिलेंडर जब हो जाता है 22 प्लस देती है, 22 प्लस मैक्सिमम. आपने कितनी निकाली हुई अभी तक? मैंने निकाली हुई है 24. भाई यार ये मतलब बहुत सही है यार, 4 सिलेंडर है ना. मेरी लोकल में मुझे 18 दे देती, अभी भी 10 पे लगा था हल्के. हाँ एसी अभी ऑन है क्योंकि, और वैसे भी अभी तो आप जाम वगैरह से होके आए होगे. हाँ भाई हाँ, फ्लावर ब्लॉक पड़ा हुआ तब भी भाई 9 की. अब है इतनी देर कार स्टार्ट होने के बैठने के बाद, वरना 10 की एवरेज पे भाई लाए तो यार मतलब और क्या चाहिए यार हमें, इतनी अच्छी एवरेज फुल पावर. और जो लोग मतलब बोलते हैं DSG लाग लाग, वो भी नहीं है भाई, मैनुअल है 1.5 मैनुअल, मतलब अलग ही फील आती होगी इसको चलाने में. लेकिन 1.5 वालों के लिए एक बात है भाई, अगर गाड़ी में परफॉर्मेंस निकालनी है, एवरेज भी निकालनी है ना, हाँ जी 95 ऑक्टेन से कम मत डलवाना. एग्जैक्टली भाई ये आपने बिल्कुल सही बोला. ये मतलब इवन भाई मैं तो अपनी, मेरी 1 लीटर TSI ट्यून्ड है, मैं तब भी अपनी 95 ऑक्टेन पे ही रन करता हूं. भाई इन इंजन्स को भाई जितने भी टर्बो इंजन है, चाहे 1 लीटर हो 1.5 हो, टर्बो को नीड ही उसकी है. जितना रिफाइंड फ्यूल रहेगा उतना रिफाइंड भाई परफॉर्मेंस मिलेगी आपको, सब कुछ मिलेगा. बट आशीष भाई जो मेरी वाली है 1 लीटर वाली, हाँ जी, उसमें क्या है कि अरव भाई भी साथ थे उस टाइम, मतलब जो डलवाया था जब मैंने उसमें, उससे तो मेरी एवरेज खराब हो गई थी गाड़ी की. भाई अब हमारी ड्राइविंग के ऊपर है, मैं अब इसमें पंजा दे के चलाऊंगा ये 2 या 3 पे पहुंच जाएगी. पंजा देने की बात नहीं है, मतलब उसमें ही नॉर्मल चल रही थी गाड़ी, जैसे नॉर्मल चलाता हूं, बट एवरेज बिल्कुल ही गिर गई थी. नहीं भाई चलाओ, आप एक बार चलाते रहोगे ना गाड़ी को, वो फर्स्ट साइकिल में इसका वो हो गया था ना, मिक्स करोगे. मैंने इससे फर्स्ट से फर्स्ट सर्विस से पहले ना इसके अंदर क्या कहते हैं नॉर्मल भी डलवाया, वो भी डलवाया, मेरी एवरेज नहीं है. जब से सेकंड सर्विस हुई है मैंने सिर्फ और सिर्फ 95 पे. नहीं भी होता ना अच्छा 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़े वहीं जाकर नहीं रहा था, मैंने 95 के बाद नॉर्मल डलवा लिया, मेरी की भी एवरेज. हां वो होता है भाई, इशू आता है क्योंकि मतलब मेरी 95 के बाद काफ़ी अच्छी एवरेज देती है. अगर मैं उससे कंपेयर करूँ थोड़ा बहुत, मतलब 1-2 पॉइंट का ही गेन है, बट भाई रिफाइंडनेस में बहुत फील होता है. रिफाइंड ही तो है, जब आप उसका और कुछ नहीं है. जब रिफाइंड अगर आपने वो उससे पहले अगर नॉर्मल डलवा लिया, वो इतना रिफाइंड नहीं होगा, वो जाएगा तो बेसिकली इंजन के अंदर. सही बात है, कंबशन वहाँ पे होगा, सब कुछ वहाँ पे होगा, तो फिर वो फर्क पड़ जाता है बहुत ज़्यादा. हाँ जी भाई बिल्कुल सही बात है. अब भाई थोड़ा पॉइंट पे आते हैं भाई, स्लाविया आपने ले ली, स्कोडा भाई जो जाना जाता है ना, मतलब लोग बोलते थोड़ा एलिगेंस के लिए जाना जाता है, एक प्रीमियमनेस ब्रांड है क्योंकि स्कोडा. इससे पहले आपने स्कोडा कभी ऑन करी थी? मेरे भाई ने करी थी, बट मेरी जो स्टार्टिंग से थिंकिंग थी ना, हाँ जी, मेरी ये थी कि यार स्कोडा बुड्ढों की गाड़ियां होती है कौन लेगा. हाँ बट उसने परचेज करी थी 2.0 TDI भाई डीजल रॉकेट. अच्छा अच्छा कौन सी वाली भाई? वो उसकी थी 2015, समझ गया भाई, 2 लीटर टर्बो डीजल भाई. उठने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से उठा नहीं जा रहा था. मैंने कहा भाई कहाँ बैठा दिया किसको भाई. उसके बाद से भाई फैन बॉय ऑफ स्कोडा भाई. वो भाई जर्मन कुछ चीज होती है. अब भाई जैसे एलिगेंस थोड़ा प्रीमियमनेस की ये जानी जाती है, तो आपने भाई इस एलिगेंस को थोड़ा मॉडिफाई वगैरह कराने की थिंकिंग कहाँ से आपके माइंड में आई? भाई थोड़ा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बाहर से मेरे को लुक्स थोड़ी चेंज करनी थी कि हाँ. क्राउड में अगर कहीं खड़ी भी हो ना तो अलग से लगे, अलग से स्टैंड आउट करे. और मेन चीज है कि भाई पब्लिक रिएक्शन, खास तौर पे बच्चों का. Exactly. उनको देख के जो खुशी होती है ना कि हाँ, वो हाँ. अलग सी स्पोर्ट्स कर जा रही है या हाँ, यार भाई हाँ. वो देख के इतनी प्यारी लग रही है, उनका रिएक्शन. क्योंकि खुद भी जब बच्चे थे ना कोई गाड़ी जाती थी तो उसको देख के भाई अलग रिएक्शन, दिल में जो काफी खुश हो जाते थे, मतलब भाई वो वाला रिएक्शन भाई बस. एग्जैक्टली भाई ये पब्लिक रिएक्शन, मतलब वहाँ ऐसा लगता है सारा पैसा वसूल हो गया अपना. हाँ भाई बच्चों की हंसी भाई सब कुछ वसूल कर देती है भाई. भाई काफी सही बात बोली है भाई ने. भाई अब आपने कितना टाइम हो गया इसके लिए हुए? 1.5 साल प्लस हो गया होगा भाई. मैंने लास्ट ईयर जून में परचेज करी थी. जून में? हाँ तो 2 जून को आई थी. अच्छा 2 जून को, तो मतलब जुलाई अगस्त, मतलब हाँ 1 साल 2-3 महीने हो गए. हाँ अभी तक आपने मतलब चलाई थोड़ी कम है, 7800 सिर्फ मैं निकालता हूँ या फैमिली के साथ निकलती है, बस ऐसे निकलती है. अच्छा ओवरऑल चलाने में अभी तक साल जैसे प्लस हो चुका है.
कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? भाई बढ़िया रहा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मेरे को जैसे समझ नहीं आती थी तो मैं कंपनी चला जाता था। अब कंपनी में भी ऐसा सीन है, कुछ लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो सॉल्व नहीं कर पाते आपकी प्रॉब्लम। कुछ में ऐसा होता है जाती दो मिनट के अंदर सब कुछ सॉल्व हो गया, घर चले। अच्छा, अगर आप कुछ प्रॉब्लम के बारे में बता सको हमें कि जो जो आपको फेस करी थी। जैसे भाई इसमें जब मैं गाड़ी परचेज करके लाया था, इसमें ये ऑटो स्टार्ट का ना ये वर्क कर रहा था। अब जब मैं नेक्स्ट डे गाड़ी लेके निकला हूँ ऐसे ड्राइव पे, बट ये चलना बंद हो गया। उस टाइम पे तो ये था कि रेड लाइट पे रोकते ये अपने आप गाड़ी बंद हो जाती थी, ये वर्क नहीं कर रहा। मैं गया इसको लेके आपका ये मोती नगर वाले आर्यवीर पे। हाँ, आर्यवीर पे उनके ऊपर गया, वो तो कहते सर ये तो टेम्परेचर का नॉर्मल सा पॉइंट है, ऐसे तो सारी गाड़ियों में हो रहा, हमारी वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है उस चक्कर में। बट फिर मेरे को ये जनकपुरी ये जहांगीरपुरी वालों ने बताया, स्कॉडा वालों ने, आपको रखना 23 पे, ये 23 पे वर्क करेगा। लो पे कर दोगे ना, लो पे ये है ना बहुत कम लोड लेगा। और भाई एक सर्विस आप करवा चुके होगे अभी तक, आपने सर्विस पैकेज वगैरह लिया हुआ था इसका कुछ? आपने भी वही 24,500 चार साल का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? भाई बढ़िया था, मैंने सर्विस कराई थी आपकी ये सरिता विहार वाले स्कॉड से। अच्छा, ओवर मतलब सही था? हाँ। कोई इशू वगैरह अभी तक आपको कार में वैसे कोई लगा हो? नहीं, बट भाई वही है, इनके डीलरशिप्स को कई जगह पे ना गाड़ी हैंडल नहीं करनी आती है। उनको बोला था मैंने स्पेशली ये जहांगीरपुरी वालों को, जब एक बार गई थी, इसका डिस्प्ले चेंज हो चुका है, एम्बियंस चेंज हो चुकी है वारंटी में। अच्छा। एंड ये सीट कवर चेंज हो चुका है, इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं रिंकल टाइप्स आने शुरू। अच्छा अच्छा, समझ गया, सीट कवर में। हाँ, तो उन्होंने रिप्लेसमेंट करा था, इसके अंदर यहाँ पर कट्स दिख रहे थे। अच्छा, लाइटों में? हाँ, लाइटों के ऊपर आ गया था ये। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने आपकी चेंज कर दी फिर। हाँ ठीक है भाई, मतलब बाकी वहाँ के लोगों को मतलब कुछ कुछ ऐसे है कि भाई हैंडल करना नहीं आता। मैंने कहा था बर्ड ड्रॉपिंग नहीं होनी चाहिए गाड़ी के ऊपर। अच्छा, उन्होंने पूरी गाड़ी के ऊपर बर्ड ड्रॉपिंग करके खड़ी करवा रखी थी। अब वो बाय चांस एक बोनट के ऊपर पैच रह गया वो ड्रॉपिंग की वजह से। अच्छा भाई, वो यही चीजें थोड़ी भाई देखनी चाहिए सर्विस सेंटर वालों को। अगर कोई इंसान खर्च कर रहा है 20 लाख प्लस तो थोड़ी बहुत चीज है। हाँ, मतलब फोक्सवैगन और स्कॉडा भाई कार्स, मतलब अब आपने जब कर दिया वैल्यू फॉर मनी वाली लॉन्च, तो सर्विस भी उसी अकॉर्डिंग आपको कर देनी चाहिए, उतनी ज्यादा एप्लीकेबल उसी कार पे। भाई क्या कहते हैं, कभी आपने 1 लीटर मैनुअल चलाई है वैसे? नहीं चलाई, टेस्ट ड्राइव नहीं ली इस गाड़ी को लेने से पहले। मेरा मन था जब मेरी खुद की आएगी ना उसी को चलाऊंगा। अच्छा, उसके अलावा भाई ऐसे इतना पढ़ूंगा 10 जगह या 10 जगह टेस्ट ड्राइव लूंगा तो भाई दिमाग घूम जाएगा। वरना के टाइम पे भी ये सीन था कि भाई वो चला रखी थी लेकिन उसमें था चिप शॉर्टेज का, एल्काज़ार एंड क्रेटा की बुकिंग ज्यादा हो रखी थी। आप इनके लॉन्च होने से पहले चाहिए था हाई ग्राउंड क्लियरेंस। सही बात है। तो उस टाइम पे वो जो मेरे भैया, उन्होंने कहा कि ये अभी गाड़ी को आपको दे भी देंगे क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चर करते हैं ना, इनके पास सब रेडी में रहता है स्लॉट। जैसे अच्छा। ये विंडोज हो गए, अंदर पैनल पार्ट्स हो गए, तो ये एडवांस में बना के बैठे हुए हैं। सही बात है। अगले साल आ जाएगी नई, वरना अप्रैल के बाद, उन्होंने उस टाइम बता दिया था। मैंने कहा कि फिर वो ले लेता हूँ, वेट कर लेता हूँ, अभी सेकेंड हैंड परचेज कर लेता हूँ। कहते नहीं, नो फायदा, वो ले लो वरना आएगी भी ना, इससे कंपेयर नहीं कर पाएगी वॉक्सवैगन स्कॉडा अपनी जगह। ये बात तो है भाई, मतलब ठीक है वो लोग भी काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं और इस बार वरना ने एक्चुअली में गेम चेंजर की तरह एक्ट करा है। बट स्टिल जो इसको चलाने में भाई रॉनेस आती है ना, वो कोरियन में आपको उससे ज्यादा स्पीड भी मिल जाएगी पर रॉनेस नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जर्मन कार्स ट्यून फ्रेंडली बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, कोरियंस में आपने कभी देखा है कि स्टेज 3+ हो रखी है, 4 हो रखी है, वीआरएस देख लो, स्टेज 5 मिलेगी, ये 820p तक की वीआरएस देख रहा है। वो तो है भाई, भाई थोड़े यहाँ पे हंसने लग गए कि भाई की कोरियन ट्यून्ड है भाई, ये हो जाएगी। हाँ। कराने के ऊपर है भाई, बंदा होना चाहिए, अगर ढंग के बंदे से ना कराओ उस पे स्पेंड कर दो आप, सही बात, फायदा नहीं है, कार मतलब खत्म हो जाएगी। मेरे पास खुद भाई, मैं होंडा यूजर हूँ कम से कम 10 साल से। अच्छा, मेरी मतलब एक गाड़ी तो घर में होंडा की रहती रहती है, होंडा यूज कर चुका हूँ, नहीं समझ आए बॉडी वाइज, इंजन अच्छे हैं होंडा के। हाँ। सुजुकी मैंने पर्सनली यूज करी है, स्विफ्ट, वो मैंने 10 साल रखी डीजल,
बढ़िया थी बट भाई बॉडी उसकी सेकंड जन वाले की बहुत हल्की थी। हाँ ये बात तो है, की तो और बर्बाद है ये बात तो है। बट भाई ओवरऑल अपने इतने ब्रांड्स वगैरह यूज करे हुए हैं, स्कोडा पे स्विच करने के बाद कुछ अलग फील आई? भाई आई भाई, ये अलग है भाई, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अलग है भाई। ये लगा लो जैसे गियर शिफ्टिंग में कभी कभार हम बाय चांस ज्यादा छोटा शिफ्ट करते थे, वो गाड़ी वाइब्रेट करती थी, वो सब इसमें कुछ नहीं है भाई। ये 1.5 में तो नहीं है, 1 लीटर में तो फिर है थोड़ा बहुत, क्योंकि 3 सिलेंडर है तो 1 लीटर में ये प्रॉब्लम आती है, पर 1.5 में भाई ऑब्वियसली क्यों होगी, 4 सिलेंडर है और 15 सीसी का TSI इंजन है। बाकी भाई यही था कुछ ओनरशिप रिव्यू। ये कार बाहर से मतलब यार इतनी औसम है, और सच्ची भाई एक बार फिर से थैंक यू, आपने कार अपनी बहुत अच्छी बनाई हुई है। और भाई आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। भाई आपका कुछ इंस्टा आईडी वगैरह जो हमें छोड़ना चाहिए डिस्क्रिप्शन में? आशीष है 1703। कोई नहीं भाई, डिस्क्रिप्शन में अच्छे से मिल जाएगी। हाँ कि कोई भी अगर डाउट हो कार के रिलेटेड तो हमारे ऑडियंस वगैरह आपसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। बाकी भी ये थी आज की कुछ वीडियो, याद से वीडियो को करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसी तरह की और बहुत बढ़िया बढ़िया कार्स देखने के लिए बने रहना। हम लोग आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी।